भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम में पहुंचने के थोड़ी देर बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें चक्कर आने लगा। पास में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से उन्होंने अपनी तकलीफ को बताया। इसके बाद आनन फानन में उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया और पानी पिलाया गया। फिलहाल बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके घर पर ले जाया गया है, जहां एक मेडिकल टीम भी पहुंच गई है। मेडिकल टीम उनकी जांच करेगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत खराब होने पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। सीएम शिवराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मैं ईश्वर से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के शीघ्र और उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। आप पूर्ण स्वस्थ होकर जनसेवा का कार्य करें, मेरी यही कामना है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दिल्ली में इलाज चल रहा था। अनलॉक की शुरुआत के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भोपाल लौट आई थी और आज वह बीजेपी दफ्तर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। साध्वी प्रज्ञा के करीबियों की माने तो दवाओं की हाई डोज की वजह से वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज कर रही थी, लेकिन वह आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।